अब हमारा अगला टॉपिक है लिपिड्स। अब देखिए, लिपिड भी एक किस्म का बायोमोलिक्यूल है। सो इट इज अ बायोमोलिक्यूल एंड आई मस्ट से दैट इट इज अ टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल जो नेचुरली ऑकरिंग है और उसकी सोल्युबिलिटी वाटर में लिमिटेड होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखे, सो इट इज अ बायोमोलिक्यूल, इट इज अ बायोमोलिक्यूल हैविंग लिमिटेड, हैविंग लिमिटेड सोल्युबिलिटी, लिमिटेड सोल्युबिलिटी इन वाटर। या तो फिर ऐसे भी कहा जा सकता है कि वाटर में इसकी सोल्युबिलिटी ना के बराबर है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व करेगा, बट डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। उसके बाद ऑर्गेनिज्म से लिपिड्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, याद रखें। सो दीज कैन बी आइसोलेटेड आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म, वो भी कैसे, बाय एक्सट्रैक्टिंग विथ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ये चीज हमें याद रखना चाहिए। सो इसको हम बोलेंगे लिपिड्स। अब लिपिड्स को हम जो डिफाइन करते हैं वो उसके प्रॉपर्टी के आधार पर डिफाइन करते हैं, याद रखना। सो लिपिड्स आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। अब लिपिड्स के बेसिकली यानी ब्रॉड जो टाइप्स है वो दो आते हैं। सो लिपिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। सो लेट्स डिस्कस क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। अब लिपिड्स के क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो क्लास हम डिस्कस करेंगे दैट इज द कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। सो वेरी फर्स्ट वेराइटी इज अ कॉम्प्लेक्स लिपिड। अब हमें देखना है कि कॉम्प्लेक्स लिपिड क्या चीज है। सो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स आर द इस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। सो दीज आर द इस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, याद रखें। सो दीज आर इस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, यानी इसका हाइड्रोलिसिस हम लोग करा सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स लिपिड के जो क्या बोलते हैं उसको टाइप्स है, इसमें हम बता सकते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, उसके बाद ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स के बाद फास्फोलिपिड्स एंड वैक्सेस। सो याद रखें, सो दीज इंक्लूड ट्राइग्लिसराइड्स ट्राइग्लिसराइड्स, उसके बाद ग्लाइकोलिपिड्स, उसके बाद फास्फोलिपिड्स एंड वैक्सेस। ये जो है ये कॉम्प्लेक्स लिपिड कैटेगरी में आता है। तो इसमें सबसे पहला हम प्रोजेक्ट देखेंगे ट्राइग्लिसराइड्स। सो लेट्स डिस्कस ट्राइग्लिसराइड्स। अब देखिए ट्राइग्लिसराइड्स आर द ट्राइस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल विथ हायर फैटी एसिड्स, याद रखें। दीज आर ट्राइस्टर्स ऑफ
glycerol with higher fatty acids. अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं फैट्स एंड ऑयल्स, फैट्स एंड ऑयल्स. अब फैट जो होता है, फैट्स आर द ट्राइस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल विथ सैचुरेटेड फैटी एसिड. एग्जाम्पल ग्लिसरिल ट्राइस्टीयरेट. एंड ऑयल इज द ट्राइस्टर ऑफ ग्लिसरॉल विथ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. याद रखना ये प्राइम डिफरेंस है. सो फैट आर ट्राइस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल with saturated fatty acids, while oils are triesters of glycerol with unsaturated fatty acids. अब फैट का एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं ग्लिसरिल ट्राइस्टीयरेट, और ऑयल का एग्जाम्पल दिया जा सकता है ग्लिसरिल ट्राइओलिएट. अब ट्राइग्लिसराइड्स के बाद अगला पड़ाव है ग्लाइकोलिपिड्स. सो सेकेंड वेराइटी विच इंक्लूड्स इज द ग्लाइकोलिपिड्स. अब देखिए ग्लाइकोलिपिड्स क्या चीज है. समटाइम्स लिपिड्स आर एसोसिएटेड विद शुगर्स. मेनली शुगर्स आर ईदर ग्लूकोज आर गैलेक्टोज, उन्हें ग्लाइकोलिपिड कहना चाहिए. सो याद रखें, सो लिपिड्स आर एसोसिएटेड विद शुगर्स लाइक ग्लूकोज और गैलेक्टोज. ग्लूकोज और गैलेक्टोज आर नोन एज, इनको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड्स. दीज आर कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड्स. अब एनिमल जो ग्लाइकोलिपिड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेरेब्रोसाइट्स. सो याद रखें, एनिमल ग्लाइकोलिपिड्स आर सेरेब्रोसाइट्स, जिसमें लार्जली गैलेक्टोज होता है, इसलिए हम उसे सेरेब्रो गैलेक्टोज बोलते हैं. दस नोन एज सेरेब्रो गैलेक्टोज. अब रही बात प्लांट ग्लाइकोलिपिड्स की, प्लांट ग्लाइकोलिपिड्स डू कंटेन गैलेक्टोज लार्जली, याद रखें. सो प्लांट ग्लाइकोलिपिड्स आल्सो कंटेन व्हाट, गैलेक्टोज, यानी शुगर यूनिट जो होगा वो गैलेक्टोज होगा. अब इसके बाद अगला पड़ाव फास्फोलिपिड्स. सो नेक्स्ट वन इज फास्फोलिपिड्स. अब देखिए ये फास्फोलिपिड्स में होता क्या है, ग्लिसरॉल के दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स फैटी एसिड के साथ इस्टरीफाई होंगे, एंड वन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इज इस्टरीफाइड बाय फास्फोरिक एसिड, यानी वहां पे फॉस्फेट होगा, याद रखे. सो When two OH groups of glycerol are esterified by fatty acid and one OH group is esterified by phosphoric acid,
by phosphoric acid, then what phospholipids are formed? Then phospholipids are formed. ये हमें याद रखना होगा. इस प्रकार से फास्फोलिपिड्स प्रोड्यूस होते हैं. इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं लेसिथिन. फॉर एग्जाम्पल लेसिथिन, इट इज अ फास्फोलिपिड. अब इसके बाद चौथी वैरायटी हम बात कर सकते हैं वैक्सेस. वैक्सेस नॉर्मली प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ प्लांट्स खासकर एक्वेटिक प्लांट्स, उनके बॉडी पे स्टेम हो या लीव्स हो, आप वैक्सेस सिक्रीशन देख सकते हो. फ्रूट्स, इसलिए फ्रूट को हम लोग अगर पानी में डुबोते और निकालते हैं तो वाटर उसके ऊपर यानी स्किन के ऊपर स्टैग्नेंट नहीं होता है, क्योंकि उसके स्किन के ऊपर वैक्सेस सिक्रीशन होता है. सो सम एनिमल्स एंड प्लांट्स डू सिक्रीट वैक्सेस. अब उसका कंपोजिशन क्या है? वैक्सेस आर नथिंग बट इस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स विथ लॉन्ग चेन अल्कोहल्स. याद रखे. सो वैक्सेस आर इस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स विथ लॉन्ग चेन अल्कोहल्स. ये याद रखना. एंड दीज आर सिक्रीटेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ. याद रखे. सो दीज आर सिक्रीटेड, दीज आर सिक्रीटेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. एनिमल और प्लांट दोनों द्वारा वैक्सेस सिक्रीट किए जाते हैं. सो इट वॉज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू लिपिड्स एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ लिपिड्स इज सिंपल लिपिड्स. अब जो सिंपल लिपिड्स होते हैं दे डू नॉट हैव इस्टर लिंकेजेस एंड हैंस कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो. सो दीज डू नॉट हैव इस्टर लिंकेज and cannot be hydrolyzed. इनको हम लोग hydrolyze नहीं करा सकते हैं. अब simple lipids में क्या क्या चीजें आती है देखो. steroids, steroids के बाद आते हैं terpenes और prostaglandins. So these involve what? The simple lipids. So let's discuss first of all steroids. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेरॉइड्स की. अब स्टेरॉइड जो है, स्टेरॉइड न्यूक्लियस इज अ फोर रिंग न्यूक्लियस, यानी इट इज अ न्यूक्लियस कंटेनिंग फोर रिंग्स. इसमें चार रिंग्स होते हैं याद रखना. सो इट कंटेन्स अ न्यूक्लियस ऑफ फोर रिंग्स. ये सबसे पहले हमें याद रखना होगा. एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनान्थ्रीन. ये चीज याद रखो. सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनान्थ्रीन. फेनान्थ्रीन. So, इसके डेरिवेटिव्स होते हैं स्टेरॉइड्स. अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो टिपिकल होता है याद रखें. सो स्टेरॉल, बाइल एसिड, सेक्स हार्मोन्स, इसके कुछ एग्जांपल्स है याद रखें. सो स्टेरॉल्स, उसके बाद बाइल एसिड, सेक्स हार्मोन्स एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेरॉइड. ये स्टेरॉइड के एग्जाम्पल्स होते हैं. अब टेस्टोस्टेरॉन, उसके बाद एंड्रोजन, ये मेल सेक्स हार्मोन्स है. उसके बाद इस्ट्रोन,
एस्ट्राडियोल ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स है, याद रखें। सो मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स आर स्टेरॉइड्स, ये स्टेरॉइड्स है। उसके बाद स्टेरॉइड्स जिन्हें हम स्टेरॉल्स भी बोल सकते हैं, एनिमल से एसोसिएटेड जो होता है उसे क्या बोलते हैं, उसको एनिमल स्टेरॉल या जू स्टेरॉल कहा जा सकता है। सो स्टेरॉल इन एनिमल्स आर जू स्टेरॉल्स। उसके बाद इन प्लांट्स उसको हम बोलेंगे फाइटोस्टेरॉल, फाइटोस्टेरॉल। इन फंगस, इन फंगस माइकोस्टेरॉल। ऐसे अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग किस्म के स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। अब इसके बाद अगला क्लास हम लोग देखेंगे टर्पीन्स। अब टर्पीन्स जो है दीज आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग आइसोप्रीन यूनिट्स, याद रखना। सो दीज आर अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग आइसोप्रीन आइसोप्रीन यूनिट्स। इनमें आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं, अनसेचुरेटेड होते हैं। अब इसके बाद इनका जो क्लासिफिकेशन हुआ वो कार्बन के नंबर के आधार पर हुआ, याद रखे। सो दीज आर क्लासिफाइड, दीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एड्स। अब इसमें मोनोटर्पीन्स, मोनोटर्पीन्स जिसमें 10 कार्बन होंगे, उसके बाद सेस्क्विटर्पीन्स कंटेन्स 15 कार्बन, उसके बाद डाइटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स कंटेन 20 कार्बन एक्सेट्रा। सो दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ टर्पिनॉइड्स, याद रखें। ये टर्पिनॉइड्स के डेरिवेटिव्स है, इसके एग्जांपल दिया जा सकता है जिरेनियोल, मेंथॉल, याद रखें। सो दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ टर्पिनॉइड्स, जिसमें हम लोग एग्जांपल के तौर पे बता सकते हैं जिरेनियोल, उसके बाद मेंथॉल एटसेट्रा, ये टर्पिनॉइड्स में आते हैं। अब अगला कार्यक्रम प्रोस्टाग्लैंडिन्स। सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो सिंपल लिपिड्स में आते हैं। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है दीज कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ C20 लिपिड्स, सबसे पहली बात याद रखें। सो दीज आर ग्रुप ऑफ C20 लिपिड्स, यानी 20 कार्बन वाले। अब इसमें 5 मेंबर्ड रिंग होता है कंटेनिंग, कंटेनिंग व्हाट, 5 मेंबर्ड मेंबर्ड रिंग एंड 2 लॉन्ग साइड चेन्स, 2 साइड चेन्स भी होंगे इसमें। ये बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको एनिमल बॉडीज में पाए जाते हैं, मेनी बॉडी टिश्यूज खासकर, याद रखें। सो दीज आर प्रेजेंट इन मेनी मेनी बॉडी टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज। सो इट वॉज ऑल अबाउट द सिंपल लिपिड्स, इस प्रकार से लिपिड, लिपिड के टाइप्स जिसमें कॉम्प्लेक्स और सिंपल, ये सब यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया।